बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ राना उस्मान। वेलकम टू जवेद पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस। इन दिस एक्सरसाइज 3.2 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 वी नीड टू लर्न असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ऑल्सो वी नीड टू लर्न हाउ वी आर गोइंग टू कम्पेयर द फ्रैक्शंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो दैट वट इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यूज से छोटी वैल्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये हम बड़ी से छोटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटी वैल्यूज से बड़ी की तरफ मूव करना, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में किस तरह अरेंज करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके सामने मौजूद है, 3/6, 2/9 और 1/4। आप देख रहे हैं ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, कि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम इनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जिससे हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर्स को सेम करने का तरीका ये है कि हम किसी एक नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शंस को और इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, कौन सा नंबर डिनोमिनेटर को बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 है, 9 है और 4 है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम इन तीनों को 36 बना सकते हैं। कैसे, इस फ्रैक्शन को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें ये 36 बनेगा। अब इसको किससे करेंगे, डेफिनेटली 9 को 4 से करेंगे, ये भी 36 बन जाएगा। 4 है तो इसको किससे करेंगे, 9 से करेंगे, भी 36 बन जाएगा। तो हेयर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे इस तीनों फ्रैक्शंस को हम 36 बना सकते हैं तीनों के डिनोमिनेटर्स। और आपको एक चीज़ पता है मैथमेटिकली कि अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है इसको भी 6 से करेंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इन द सेकेंड फ्रैक्शन, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे। अब मैं आपके सामने मल्टीप्लीकेशन करूंगा और फिर हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये देखिएगा, 3/6 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना था 36 बनाने के लिए। सेम इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है 36 बनाने के लिए। और नोट कर रहे हैं आप, जिससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर को भी करेंगे। अब इसको 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 36 बने। ये देखें, इसको भी 9 से, इसको भी 9 से। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18/36, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/36, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 9/36। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास 36 डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, इट मीन्स नाउ दे आर लाइक फ्रैक्शंस। अब हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो है सबसे डिसेंडिंग, क्योंकि हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी नज़र आ रही है, न्यूमिनेटर आपने चेक करने हैं, 18/36। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/36। नेक्स्ट क्या है, 9/36, तो हमारे पास 9/36, उसके बाद 8/36। तो आप ये देखें कि हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अपवर्ड टू डाउनवर्ड गए हैं। अब इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे, और हमें पता है कि असेंडिंग में हम लोग जो है वो छोटे से बड़े की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8/36, फिर हम इससे आगे
9/36 और इससे फिर आगे 18/36, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखा, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, और इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीखा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सीखा कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना है, और असेंडिंग में हम लोगों ने सीखा कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड आना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।